अबे ठोक दी ठोक दी। ओ बाप रे बाप। गाड़ी की चाबी बंद कर दो। हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो बढ़िया रहना, नया दिन नई शुरुआत के साथ। तो हम लोगों का आज संडे मीटअप था रिवर फ्रंट में, मैं जेके भाई, चिराग भाई, सुहेल भाई। तो मेरे को सोचा कि भाई मेरे पास भी सोलर भी है घर पे, सोलर मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि बिजली का बिल थोड़ा कम आया मेरा। और हमारे पास बाइक और कार भी बहुत ज़्यादा दर है, बहुत ज़्यादा। तो सोचा कि भाई एक पंप ही ले लेते हैं, इससे मतलब जो बाइक साफ़ करने वाला जो पंप आता है वही ले ले, जिससे सोलर भी साफ हो जाएगा और हमारी बाइक भी हमेशा चमचमाती हुई रहेगी। और ये कौन है भाई? काव्य कैसा है? काव्य मार पड़ी तुमको? किसने मारा? तुम्हारे सामने खड़ा है भाई को बरोबर पीटा है, सो नहीं रहा था, मस्ती कर रहा था, दे मारा बराबर। तो यहाँ से जाते हैं, जेके भाई को मिलते हैं, सोहेल भाई को मिलते हैं और जाते हैं भाई अपना पंप लेने के लिए। वो क्या बोलते हैं उसको, स्प्रेशर पंप, ठीक है, पानी का। तो लेके आते हैं, फिर आपको बताते हैं हमने क्या चीज़ लिए गाइस। तो फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं एक्टिवा लेके भाई, क्योंकि वो प्रेशर पंप भाई बहुत बड़ा आएगा, तो R15 में मज़ा नहीं आएगा, मतलब मैं भी नहीं बैठ पाऊँगा। और यहाँ पे आराम से रख दूँगा मैं वाटर पंप। तो पहले जाते हैं ईसनपुर, वहाँ से जेके भाई को मिलते हैं, या नारोल से मिलेंगे जेके भाई, या उनके घर से मिलेंगे ईसनपुर से, दो जगह है उनकी। तो पहले उनसे मिलते जाके उसके बाद मिलेंगे सोहेल भाई को, उनके गैरेज पे मिलेंगे या उनके घर पे, उसमें भी दो बात है, ठीक है। अबे ठोक दी ठोक दी। ओ बाप रे बाप। गाड़ी की चाबी बंद कर दो। तो फाइनली गाइस बहुत दिनों बाद अपनी एक्टिवा पे रिवर फ्रंट, मतलब मैं डेली बेसिस पे रिवर फ्रंट पे आता रहता हूँ, पर व्लॉग में पहली बार अपनी एक्टिवा लेके पहुँचा हूँ रिवर फ्रंट। अब इसको तो मैं भाई 100 भगा नहीं सकता, तो उसको 60-60 चला लेते, क्योंकि 100 भगाने में मेरी खुद की भट्टी है यार, ठीक है। तो धीरे धीरे चलते जाते हैं जब तक जाया जा सकता है, और इसको जब तक भगाया जा सकता है। इसको मैं 80 तक तो भगा सकता हूँ, उसके पार नहीं ले जा सकता, ठीक है। जो जो एक्टिवा चलाता है उसको पता ही, 100 बहुत ही, मतलब बहुत ही आराम आराम से जाती है। 100 जाती है सही, पर बहुत आराम से जाती है। उसके लिए मेरे को लंबा पेज चाहिए, खाली वाला। और आज ट्रैफिक भी बहुत है क्योंकि संडे है, क्योंकि बहुत से लोग आज रिवर फ्रंट में यूं ही घूमने आए होंगे, मेरे जैसे ब्लॉग बनाने वाले भी बहुत लोग आए होंगे आज यहाँ पे। एक टाइम पे ये गाड़ी मेरी बहुत फेवरेट हुआ करती थी, और मैंने इसको लेके घूमा भी बहुत हूँ, अहमदाबाद से भावनगर, भावनगर धंधु का बहुत जगह मैं इस गाड़ी से घूमा हूँ, टीओ से, ठीक है। बड़ौड़ा बहुत बार गया हूँ एक्चुअली, बड़ौड़ा, सूरत, और इस तरफ सौराष्ट्र में भी बहुत घूमा हूँ भोपाल में, इस टीओ को लेके मैं। तो उसमें ज़्यादातर मैं इटियोस लेके गया हूँ भावनगर ही भावनगर, क्योंकि पहले मेरे को ऐसा था कि जब भी पूरी रात को भी मुझे ऐसा लग गया कि मुझे सुबह भावनगर राजपुरा खोड़ियाल मंदिर जाना है, तो भाई मैं रात को निकल जाता था। उस टाइम पे मेरे पास गाड़ी भी नहीं हुआ करती थी, मैं स्प्लेंडर से गया हुआ हूँ बहुत सी बार, 220 पल्सर से गया हुआ हूँ, मतलब मैंने जब मेरे पास ये हैवी बाइकें नहीं हुआ करती थी ना, जय श्री राम। तो जब मेरे पास ऐसी हैवी बाइक से नहीं हुआ करती थी, दोस्तों की बाइक भी नहीं इतनी हैवी हुआ थी, तब जमाना था हमारे पास स्प्लेंडर का, पैशन का, उस टाइम 220 हमारे लिए भाई लेजेंडरी बाइक हुआ करती थी। किसी के पास 220 है ना भाई, मतलब वो करोड़पति बंदा है भाई। और उसको भाई उस टाइम पे एवरेज भी नहीं पूछाती थी हम लोगों को स्प्लेंडर की। उस टाइम पे मैं दोस्तों की बाइकें मांग मांग के, भाई हमारे दोस्त एक चिराग भाई, उनकी बाइक लेके मैं बहुत बार भावनगर गया हूँ यार, बहुत मिस कर रहा हूँ उस देश को भी। तब तो भाई छपरी राइडर हुआ करते थे भाई हम लोग, ऐसे ही हुआ फालतू हेलमेट, कोई बार हेलमेट भी नहीं लगाते थे, यूं ही चल लेते थे भाई। बहुत याद आ रहा है वो दिन यार आज। नल्ले बेरोजगार छपरी चप्पल चोर लड़के, छूटा लेके आना चाहिए मेरे, उसमें से लेके कैसे जाऊंगा रे, क्या बॉक्स बड़ा
भाई आधे घंटे से खड़ा हूँ, मैंने आप लोगों ने देख लिया। ये अभी मारवाड़ गए हुए थे, मारवाड़ से अभी लौटे वापिस। कैसे हो जगदीश भाई? वो आपका वो बियर्ड वगैरह का मुंह दिखा दो लोगों को। सोहिल भाई धोखेबाज, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया थोड़ी देर में। भाई अलग ही बंदा है, हर बार कुछ काम बताओ मोबाइल स्विच ऑफ कर देता। अब तो मैं ईशनपुर आया भाई, घर से 22 किलोमीटर दूर, अब तो घर पे जाके गाली दूंगा मैं इसको। भाई हमारे देश का झंडा ऐसे ही लहराता रहे भाई, क्या खूबसूरत लग रहा है भाई, एकदम मस्त फैंटास्टिक। ए भाई मेरे वाह, कितना मस्त दिख रहा है यार, एक नंबर दिख रहा है। ऐसा लगता है कि भाई बैठे बैठे उसको ही देखते जाए, और लहरा रहा है, और भाई मतलब कि हवा भी चल रही थी मस्त, तो कितना खूबसूरत लग रहा है भाई। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, वंडरफुल एक नंबर सल्यूट है भाई। मैं एक्टिवा पर से हाथ नहीं छोड़ सकता भाई, ठीक है, मेरी फटती है इसमें। बाइक होता तो मैं भी एक सलामी ठोक डालता भाई, इसको पता नहीं कुछ अलग ही नशे चढ़े हुए भाई को। ये तो गाइस एलडी भाई का कैमरा मैंने हैक कर लिया है, और आप जो देख रहे हो ये मेरा व्लॉग है। लाइक कर देना वीडियो को, और एलडी भाई अभी अंदर घुसे हुए हैं यहाँ पे शौचालय में। नया हूँ भैया, मालूम नहीं मैं नया हूँ, तो कुछ लोग एड्रेस पूछ रहे हैं। भाई ये देखो जगदीश भाई, जगदीश भगत बोलता है। सोहिल भाई कैसे हो? सोहिल भाई बढ़िया। तो भाई सोहिल भाई चूना देने के बाद आखिरकार मोबाइल चालू कर दिए, और पता नहीं भाई हमको हमारी चीज मिलेगी कि नहीं, क्योंकि ये सोहिल भाई हर बार लेट करते हैं। साहब एग्जॉस्ट लगाई हुआ ने पकड़ो। ए साउंड केम जो तारी बाइक में? ए भाई आवाज मारा कान में आ गए। चल जवा दे, ये सीधा जवो ने वड़वानू आम। बे हमें कई गुनो करे ले खोलना। तो फाइनली गए हमने मशीन फाइनल कर लिया, भाई की शॉप से ले रहे हैं मशीन, और ये वाला मशीन है अभी चेक कर रहे हैं यहाँ पे। सोहिल भाई पहले पानी निकाल दो, उसको दबा के रखो, पहले एयर निकाल दो उसको। सो गाइस अभी यहाँ पे टेस्टिंग चालू है एलडी भाई के पंप का, और एलडी भाई पंप पकड़ के खड़े, और भाई फ्री में मेरी बाइक गिर जा रही है देख लो। और ये चाचा बाइक को धो रहे हैं, जगदीश भाई की बाइक फ्री में वॉशिंग हो रही है, पंप लेके खड़े। हाँ देख लो प्रेशर तो बढ़िया है ये। तो फाइनली गाइस आपने प्रेशर देख ही लिया होगा, और भाई का नंबर मैं नीचे डाल दूंगा। आपको ऐसा वॉशर मशीन लेना है तो भाई को कॉन्टेक्ट करना, और घर पे डिलीवरी देते हो तो होम डिलीवरी चाहिए तब भी भाई दे देंगे, भाई का नंबर नीचे डाल दूंगा। मेरे नाम से कॉल करना कि एलडी भाई ने नंबर दिया, वॉशर मशीन लेना है तो कुछ आगे पीछे डिस्काउंट भी हो जाएगा, और होम डिलीवरी भी भाई कर देंगे। तो फाइनली गाइस वॉशर मशीन लेके निकल चुके हैं, और भाई हमारी बाइक पे एक जिंदा पांडा बैठ चुका है, तो हमारी एक्टिवा चल ही नहीं रही है। क्यों बोलते हो पांडा? बाइक चल ही नहीं रही, और जगदीश भाई ऐसे भगा रहे बाइक को। और ये रहा अपना मशीन भाई, वाटर मशीन भाई, बंदा बहुत मस्त था। मतलब ये सब चाइनीज मशीन ही बोलते हैं, और सोहिल भाई ने लिया था कुछ 4900 में।
4900 4800 में बस सेम मशीन मुझे मिल गया है 3900 में, 3900। और सोहिल भाई अभी रो रहे हैं कि बोले वो कोई इंस्टाग्राम पे वीडियो देखकर गए थे और उसने उनको फांस लिया बच लड़के ने। तो भाई देखो हम बोले हैं हम बच गए, सोहिल भाई हर बार हमारा फोन नहीं उठाते, फोन स्विच ऑफ कर देते, वो बदमाश है इसलिए फंस गए। चलो कोई नहीं भाई, कभी कभी सोहिल भाई ने बुरे कर्म करे होंगे तो 1000 रुपये लूट गए उनके, कहीं कोई किसी की गाड़ी आई होगी एक आध स्क्रू फिट करके 500-1000 ले लिए होंगे तो उनके चले गए। हमने हर बार अच्छे कर्म करे इसलिए हमारे पैसे बच गए। क्या बोलते हो सोहिल भाई? गलत बात है। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई आया होगा ऐसी जगह से फंसा होगा, सोहिल भाई बोले स्क्रू टाइट करने का 200 का बोल देना है तो उसने दे दिया होगा, इसलिए सोहिल भाई के चले गए। लेना पड़ेगा ना, धंधा है ना। हाँ हाँ